आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर। इकोनॉमी का मतलब जो होता है अर्थव्यवस्था होता है। अब इसमें मैं एक एक करके आपको आगे पढ़ाते चलता हूँ। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी जो वर्ड आ गया इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे से रिलेटेड है। पैसे से रिलेटेड है मतलब किस किस तरीके से हमारे घर की या हमारे देश की मतलब कि इंडिया की या किस तरीके से इकोनॉमी आपका बढ़ती या घटती है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो मतलब क्या क्या फैक्टर होते हैं, इन शॉर्ट में बता सकता हूँ कि आपका कुछ एग्रीकल्चर में डिपेंड होता होगा, कुछ आपका सर्विस सेक्टर होता होगा कि जैसे आईटी सर्विस सेक्टर है जो भी सर्विस देती है वो भी, और एग्रीकल्चर तो ये खेत हो गए, खेत से फिर आपका रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल से आपका अगर प्रोसेस्ड होकर कुछ चीज़ बन रहा है तो वो एक और सेकेंडरी उसको सेक्टर बोल देंगे। वो क्या क्या बोलेंगे, इसको प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे, इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलेंगे, इसको टर्शरी सेक्टर बोलेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो एन इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज अ बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी इट्स कंपोनेंट और सेक्टर, मतलब कि इसके कंपोनेंट और सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कि सेक्टोरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। इसमें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होता है। टर्शरी ऑर्गेनाइज्ड ऑन एंड अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें कुछ कुछ नाम समझ में आ रहा होगा, जैसे प्राइमरी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जैसे एग्रीकल्चर हो गया वो आपका प्राइमरी सेक्टर में हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या हो गया, जो प्राइमरी से बनकर प्रोसेस्ड होकर बनता है उसे सेकेंडरी सेक्टर बोल देंगे। पूरा का पूरा इस चैप्टर ही इसी चीज़ में है, तो ये अभी आगे धीरे धीरे आ जाएगा। और टर्शरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, और ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, इन सभी पर क्वेश्चन बनेगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका क्या हो गया, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जिसका छुट्टी भी मिलेगी, जिसका सैटरडे संडे भी हो गया, क्या क्या होगा उसकी पूरी कंडीशंस इसमें आ जाएगी। और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन में न टाइम फिक्स है, न डे फिक्स है, न कितना सैलरी फिक्स है, कभी भी निकाल सकता है, इस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी आएगा। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, कि इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। इसी बारे में ही पूरा चैप्टर है और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आधी चीज आपने समझ भी ली होगी कि प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। एक चीज वैसे याद रखो कि रॉ मटेरियल हो गया। सेकेंडरी चीज जिससे अगर आपको थोड़ा भी लिखने के लिए आता है तो इस तरीके से आप लिख सको, सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी को प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है, वो टर्शरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो चीज हो गई। यू कैन क्रिएट अ डिस्कशन अबाउट दीज टाइप्स बाय टेकिंग एग्जांपल फैमिलियर टू द स्टूडेंट एंड रिलेट देम टू देयर डेली लाइफ। इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्फेसाइज द चेंजिंग रोल ऑफ सेक्टर। दिस कैन बी हाईलाइटेड फर्दर बाय ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इस अब ये देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो रहा है। मतलब सबसे पहले तो सबसे ज्यादा लोग इस पूरे चैप्टर में यही आएगा कि एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा इनिशियल स्टेज में लोग थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर या सर्विस सेक्टर में अब लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो कि प्रोसेस सेक्टर था उसमें भी अब ज्यादा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एग्रीकल्चर में कम होते जा रहे हैं। व्हाइल एलोबरेटिंग The ideas provided in this chapter, the student may need to be familiarized with a few fundamental concepts such as gross domestic product. A gross domestic product, इस पर ही question बनता है, देखता है gross domestic product क्या है। अगर आपने इसका half form सुना होगा तो GDP बोलते हैं कि GDP कितनी होती है, इंडिया की GDP कितनी है, इकोनॉमी कितनी है, अर्थव्यवस्था कितनी है, GDP क्या होती है, वो पूरी चीज इस chapter में आने वाला है कि GDP के बारे में समझेंगे। Employment etc. Since the student may find this difficult to understand, it is necessary to explain them through examples. Examples के थ्रू पूरा GDP के समझेंगे। Several activities and exercises are suggested in the chapter to help the students understand how a person's activity could be placed, whether in the primary, secondary or tertiary. मतलब कि किसी भी सेक्टर में होगा तो वो किस तरीके से काम चलता है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, यही सब आपको पूरे चैप्टर में आएगा। फिर से बता दूं, यू मे एनकरेज द स्टूडेंट्स टू टॉक टू वेरियस वर्किंग पीपल अराउंड देम सच एज शॉप ओनर, कैजुअल वर्कर्स, वेजिटेबल वेंडर, वर्कशॉप मैकेनिक्स, जो भी ये सामान बेचने वाले हैं इनके बारे में भी अब धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरीके से GDP में ये काम करते हैं या अपने अर्थव्यवस्था में किस तरीके से काम करते हैं। छोटे छोटे वर्कर्स हो गए, चाहे दुकान वाला हो गया,
टू नो मोर अबाउट हाउ दे लिव एंड वर्क. बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन द स्टूडेंट कैन बी एनकरेज टू डेवलप देयर ओन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज. Another important issue to be highlighted is about problems caused by the changes in the role of sector. The chapter has taken the example of unemployment. अब unemployment के बारे में बताया जाएगा कि unemployment क्या होता है. And what ये भी आपको आता है ये कि unemployment क्या होता है. बस इस चीज़ को आप अपने से relate कर सको, वो word लिख सको, वो point में word लिख सको, बस चीज़ वही है, उसी पर number मिलने हैं. आपको आता है ये वाला पूरा चैप्टर आपको आता है, इसमें कोई नया चीज़ आप नहीं पढ़ोगे. हाँ जीडीपी हो गया, उसको बस समझना है कि क्या होता है और पॉइंट्स में आंसर लिखना आना है. व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू टू सॉल्व इट. अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को सॉल्व करने में किस तरीके से गवर्नमेंट मदद कर रही है या गवर्नमेंट क्या काम कर रही है. द डिसीजन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस of industry and service should be related to the experience of the children by taking more examples that they may observe their day-to-day life. Information derived from the media could be used for this purpose. You may encourage the students to bring important cutting and stories from newspaper. जो भी बेरोजगारी के ऊपर हुआ या किसी भी चीज के ऊपर जो भी हम पढ़ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड या जो भी इकोनॉमी के बारे में, उनके न्यूज़पेपर की कटिंग में कभी आप पढ़े होंगे या देख सकते हो. विच कुड बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन स्टोरी बोर्ड एंड एनकरेज द क्लास टू डिस्कस दीज इश्यूज. तो आप कभी कभी हो सकता है इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हो, इससे आपको नॉलेज मिलेगी ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी या तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद. व्हाइल डिस्कसिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप समझ रहे होंगे कि किसी को दुकान पर ऐसे ही रख लिया गया, मतलब 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए, जब मर्जी चाचा निकाल दिया, जितने दिन छुट्टी हुई उतने दिन का पैसा दिया, दिया नहीं दिया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया. द की इशू ऑफ द प्रोटेक्टिंग द वर्कर एनकरेज्ड इन द सेक्टर शुड बी हाईलाइटेड. यू मे ऑल्सो एनकरेज द स्टूडेंट टू विजिट पर्सन एंड एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन. तो ये चीज हो गया थोड़ा सा पहला टॉपिक. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जीडीपी, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जीडीपी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है. जीडीपी डेटा यूज्ड इन दिस चैप्टर पर्टेनिंग टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना. एक नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, इसके ऊपर लिखने के ऊपर. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय द इंडस्ट्री एट ओरिजिन एट 1993-94 प्राइसेस इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. तो कुछ इकोनॉमिक सर्वे कुछ न्यूज़पेपर में भी मिला होगा या कुछ भी है कि जीडीपी इस टाइम कितनी थी. कभी कभी आप देखते हो कि जीडीपी में इतना ग्रोथ है, अगर कभी सुनोगे तो 5.5% का ग्रोथ होगा, तो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो भी चीज़ आएगी. हल्का सा मैं आपको बता दूंगा, अगर समझने के पर्पज से पहले समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि जैसे कि कुछ एक प्रोडक्ट हुआ और आपका भी वो आएगा, आगे भी एग्जाम्पल आएगा इसके ऊपर. जैसे कि आपका प्रोडक्ट हुआ बिस्किट, बिस्किट के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा. शुगर कहीं और से आ रही होगी, वाटर कहीं और से आ रहा होगा, किसी भी तरीके का वाटर, पैकेट जो पॉलीथीन जिसमें पैक हो रहा होगा वो अलग से आ रहा होगा, पैकेट के लिखने के ऊपर जो लिख रहा होगा वो कहीं और से लिख रहा होगा, इंक कहीं और से आ रही होगी, इसका जो आटा है गेहूं कहीं और से आ रहा होगा, पिस कहीं और रहा होगा, तब जाकर एक बिस्किट का पैकेट बनता है. ठीक है, इसकी अकाउंटिंग कहीं और हो रही होगी. लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो बस प्रोडक्ट की, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, वीट होगा, वीट के बाद वो पिसेगा, पिसने के बाद शुगर, शुगर भी कहाँ कहाँ से आ रहा होगा, गन्ना, गन्ना हो रहा होगा तो शुगर बन रही होगी. इस तरीके से ये चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं. लेकिन ये देखिए, अगर इसका 1 रुपये दाम है, इसका 2 रुपये दाम है, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से दाम है, अगर बिस्किट मिलाकर कितने की बन गई, फॉर एग्जांपल कि 50 रुपये की बिस्किट का पैकेट हो गया. ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हुआ 50 रुपये का. तो और ये कस्टमर ने जो खरीदा, मतलब 50 रुपये में खरीदा, तो वो दुकानदार को दिया 50 रुपये. अब वो 50 रुपये जो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा आप समझ रहे हो, 50 रुपये वो वीट वाले को भी कुछ देगा, 7 रुपये वीट वाले को दिया, इंक वाले को 6 रुपये दिया, इसको दिया, उसको दिया, सबको देने के बाद 10 रुपये उसने दुकानदार ने अपने बचाए.
तो अब जीडीपी का वैल्यू किसमें आता है? गन्ने का हम जोड़े, शुगर का जोड़े, वाटर, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंक, वीट, फ्लोर, जो भी हो, या 10 रुपए ये इसका जोड़े, सबको जोड़ोगे तो 50 के अंत की 50 प्लस ये जुड़ते जाएगा तो 100 के ऊपर चला जाएगा। तो जीडीपी जो हम लोग जोड़ेंगे, एक मैं छोटे से प्रोडक्ट की एक एग्जांपल बस ले रहा हूँ, तो 50 रुपए जो है 50 रुपए आपकी जीडीपी में जुड़ गया। फॉर एग्जांपल यही होता है जो आपने कस्टमर ने दिया कि 50 रुपए। कोई हमारे एक जिस मार्कर से लिख रहे हैं, जिस लैपटॉप को खरीद रहे हैं, वो चाहे एक छोटी सी सुई हो, चाहे पूरी कार हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, जीडीपी में सभी का मतलब होता है। अब क्या है कि सुई मिल रही होगी 1 रुपए में, एरोप्लेन मिल रहा होगा 1 करोड़ रुपए में, तो ये दोनों मिलाकर जो इसकी वैल्यू होती है वो पूरा जीडीपी में जुड़ता है। इसी तरीके से जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। थोड़ा सा समझ आ दिया हूँ, अभी पूरे चैप्टर में यही है विद एग्जांपल, तो आ जाएगा समझ में अगर अभी भी नहीं आया है तो। द प्राइसेस इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, इट इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ जीडीपी एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंडियन इकोनॉमी फॉर इवोल्यूशन पर्पज, पर्टिकुलरली मतलब इंडियन इकोनॉमी में ये आगे बढ़ने के लिए, फॉर इवेल्यूएशन पर्पज, पर्टिकुलरली टू डेवलप एनालिटिकल एबिलिटी टू लर्नर, टीचर्स कैन रेफर इकोनॉमिक सर्वे टू गेट डेटा फ्रॉम द डिफरेंट ईयर। कई डिफरेंट साल के आप अगर आप देखोगे तो जीडीपी के बारे में पता भी कर सकते हो कि कितना था, कितना बढ़ा, कितना घटा, बढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, ज़्यादा बढ़ता है जीडीपी तो इसका क्या मतलब होता है, कम बढ़ता है क्या मतलब होता है, क्या ये नीचे और भी जा सकता है, चीज़ें आएंगी। द एम्प्लॉयमेंट फिगर आर बेस्ड ऑन डेटा टेकन फ्रॉम द 5 ईयर सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंडक्टेड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। इसके बारे में देख लेना, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO क्या करता है। NSSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक संगठन है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के मिनिस्ट्री के अंदर, प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वेबसाइट यू कैन लॉग इन इज, इस वेबसाइट से आप देख भी सकते हो। एम्प्लॉयमेंट डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द अदर सोर्स सच एज सेंसस ऑफ इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज आएगा। अब यहाँ से चैप्टर चालू होगा, अभी तक थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पढ़ा जा रहा है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स ही आपका पूरा पैसे से रिलेटेड होता है सब्जेक्ट। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। बस यही है पूरा का पूरा चैप्टर। देखो कुछ फिगर्स ही बने हुए हैं, कुछ आपके बुक में फिगर भी बने हुए हैं, कोई शॉपकीपर है, कुछ कपड़े दे रहा है, कुछ फूल वाला कुछ कर रहा है, कुछ ईंटे पत्थर से कुछ बना रहे हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ कुली है, और कुछ ये घर में भी अपना कुछ खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक चीज़ हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे इधर उधर जा रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कई तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी आप देख रहे हो। सम ऑफ दीज एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग गुड, सम अदर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, मतलब कुछ तो हो रहा है कि सर्विस दे रहे हैं, जैसे ये आदमी हो सकता है कुरियर दे रहा हो, क्या दे रहा हो क्या नहीं है वो चीज़ बुक में अभी हम पढ़ लेंगे। और कुछ लोग हो सकता है बेच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ ये सर्विस दे रहे होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ कर रहे होंगे। दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट, हर मिनट में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि आप जो बुक से पढ़ रहे हो, जो आपके पास बुक आ रही है, उस बुक को भी क्या कर रहे हो, जो दुकान से ला रहे हो, दुकान वाले कहीं और से ला रहा है, कोई दुकान वाले के पास तक पहुंचा रहे, तो सबके अपने अलग अलग काम बटे हुए हैं, तो कोई भी एक आदमी पूरा काम कर नहीं सकता है। इसलिए सर्विस इंडस्ट्री में कुछ होता है, कुछ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होते हैं। तो दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज, वन वे इज डूइंग दिस टू ग्रुप देम, क्लासिफाई देम एंड यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन, दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर। ये जो भी ग्रुप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सेक्टर्स भी कहलाए गए।
देयर कुड बी सेवरल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन पर्पस एंड व्हाट वन थिंग इन इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन. देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से जो अभी हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब बताया. प्राइमरी जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर या नेचुरल चीज से रिलेटेड हो सकता है, कोयले की खदान से कोयला निकालना या इस तरीके से मछली पालन करना, उसको कुछ प्रोसेस कर रहे हो तो वो सेकेंडरी में आ जाता है. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. कल्टिवेशन ऑफ कॉटन तो कल्टिवेशन आप समझ रहे हो कि कॉटन को बनाना है, कॉटन को उगाना है किस तरीके से. इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. एक क्रॉप सीजन होता होगा उसका कुछ के 2 महीने में उगता है, 4 महीने में उगता है, किस सीजन में उगता है. फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट विच डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल. क्या होता है कि रेन होगी तब होगा, सनशाइन होगी वहाँ होगा, क्लाइमेट के ऊपर भी पूरा डिपेंड करता है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. Similarly, in the case of activity like dairy, we are dependent on biological process of the animal. अब डेयरी के ऊपर हम बात करेंगे, जैसे दूध की डेयरी है या कुछ भी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है. एनिमल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉडर. ठीक है, जो खाने पीने का सामान होता है एनिमल्स का, उनके ऊपर डिपेंड करता है. द प्रोडक्ट हियर इज मिल्क. तो क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा. ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. मिल्क आपका क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है. आपका गेहूँ क्या हो रहा है? वो खेत में जो हो रहा है वो नेचुरल प्रोडक्ट है. लेकिन इसको प्रोसेस करके बिस्किट बनाए तो वो क्या होगा? समझ में आ रहा होगा आपको कि नेचुरल प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड या तो प्राइमरी प्रोडक्ट क्या चीज़ है. सिमिलरली मिनरल एंड ओट्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. तो मिनरल और ओट्स जो आपके जमीन के नीचे से निकल रहे हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है. वेन वी प्रोड्यूस अ गुड बैग्स प्रोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो मिलता है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है, वो प्राइमरी सेक्टर होता है. ये मैंने आपको बता दिया. इन शॉर्ट, जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गए, अनप्रोसेस्ड कोई भी चीज हो गया, वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया. व्हाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम कहाँ कहाँ से मिलता है नेचुरल प्रोडक्ट? एग्रीकल्चर से मिलता है, डेयरी से मिलता है, दूध वगैरह जो हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल हो गए, दिस जो भी नेचुरल चीज हो गया, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. या तो उसको प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं या एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी इसी चीज को बोला जाता है. किसी भी वे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है. ये चीज समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर कुछ डायग्राम भी बना हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या क्या होते हैं. तो ये खेती वेती के बनाया, प्रोसेस प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स वगैरह. और फिर एरो बनाकर दिखाया गया कि सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो अब क्या है कि कॉटन किसी ने उगाया, कॉटन से क्या बनेगा? शर्ट बनेगी, पैंट बनेगा. तो जो शर्ट बनी ये क्या हो गया? प्रोसेस्ड होकर बना. अब ये क्या, मेटल जो जमीन से ओट्स निकाला उससे क्या बन गया? अपना गाड़ी बन गई. जो लेदर एनिमल से या किसी से भी लेदर बन गया है, लेदर से आपका जूता बन गया, फॉरेस्ट कटे कुर्सी बन गया. मतलब प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड. मैन्युफैक्चर्ड गुड से आपका ये आ रहा है कि मैन्युफैक्चर क्या हुआ है. तो ये जो मैन्युफैक्चर का आया है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर कहला गया है. सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इन टू अदर फॉर्म थ्रू way of manufacturing that we associate with industrial activity. जो industrial activity के थ्रू secondary sector में आया ये हुआ. It is the next step after primary. Primary के बाद का step secondary हो गया. वो समझ में भी आ गया कि किस तरीके से process हुआ है. It is the next step after primary. The product is not produced. यहाँ क्या produce हुआ है? जमीन में, जमीन में या किसी भी तरीके से नदी में या किसी भी तरीके से natural चीज है. नेचुरली ये पेड़ के ऊपर शर्ट आई नहीं, कॉटन आया था, कॉटन से ये शर्ट आई है. तो ये प्रोड्यूस किया गया है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, प्लांट में, बाय नेचर. बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. तो कुछ प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो जरूरी होता है.
उसी के कारण से शर्ट बनता है, धागा होता है, शर्ट बनता है, या तो आपका टेलर होते हैं। तो ये एसेंशियल कुछ चीज मिलाकर शर्ट बन रही है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में बन सकता है, प्लांट हो सकता है, वर्कशॉप, या आप घर में बना सकते हो। जो भी प्रोसेस किए ये सेकेंडरी टर्म्स में आ गए, सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ यूजिंग शुगर केन। शुगर केन से क्या बनेगा, एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर या गुड़ वगैरह जो बनाते हैं, जो दिल खाते हैं मीठा होता है, शुगर या गुड़ वगैरह बना रहे हैं वो शुगर केन के थ्रू। वी कन्वर्ट अर्थ इंटू ब्रिक्स। अर्थ क्या हो गया मतलब जमीन, जमीन क्या हो गया कि मिट्टी, मिट्टी से हमने क्या बनाए, ब्रिक्स बनाए, ईंट बनाए, मिट्टी को पका कर, मिट्टी को भट्टे में करके, एंड वी यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस। और फिर उसके बाद हाउस बना, हाउस एंड बिल्डिंग्स बनी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी, मतलब मिट्टी से ही वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन रही है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, मिट्टी से आप प्रोसेस करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लिए, कुछ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोल दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल दिया गया। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। अब बचा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी की क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। दो चीजों से, दोनों जो ऊपर आपने पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। ऊपर वाले से दोनों से डिफरेंट होगा तभी यह एक अलग सेक्टर बना हुआ है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब डेवलपमेंट ऑफ ये टर्शरी सेक्टर के कारण आपका कहाँ डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलप होता है। तो टर्शरी सेक्टर होता क्या है अब और समझने की कोशिश कर रहे होगे कि टर्शरी सेक्टर से कि ऐसा क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ बेनिफिट होता है, या टर्शरी सेक्टर का बेनिफिट होता है, देखते हैं। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। वो गुड्स भी नहीं बना रहे हैं ना प्रोसेस कर रहा है, तो फिर कैसे फायदा हो रहा है, तो वो गुड्स भी नहीं बना रहे हैं वो। बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्या काम कर रहा होगा, सोचने वाली बात है, सोचो। और उसके बाद फिर आएगा आपका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखा है कि गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, जो भी गुड्स बनाया जा रहा है प्राइमरी में बनाया जा रहा है या सेकेंडरी सेक्टर में बनाया जा रहा है, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स। वो कहाँ से, अब खेत से लेकर आपको इंडस्ट्री तक जाना है, प्लांट तक जाना है, तो वहाँ से कैसे जाएगा, ट्रक से जाएगा या किसी व्हीकल से जाएगा, या कोई पैदल जाएगा या बाइक से जाएगा। अब मैं एक दो शर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों करोड़ों की संख्या में जो शर्ट बनते हैं सभी कोई पहनते हैं। कोई सुई धागा होगा, सुई होगा, जहाज होगा, ट्रक होगा, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, कुछ भी है, तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये भी तो कोई सर्विस इंडस्ट्री हुई जिसने सर्विस कुछ दिया, ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय ट्रक और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल, पूरा का पूरा फिर वो होलसेल मार्केट में पहुंच गया, बेच दिया एंड रिटेल शॉप। फिर उसके बाद वहां पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जैसे शर्ट बन गई, शर्ट बनने के बाद फिर एक रिटेल शॉप में भी किसी न किसी छोटी मोटी बड़ी गाड़ी से वो आएगा। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन। हो सकता है कि गोडाउन में भी रखना पड़े, जैसे आलू हुआ, आलू की खेती, या तो प्याज हुआ, या तो आम हुआ, आम की खेती फॉर एग्जांपल की गर्मियों में हो रही है और किसी को ठंड में भी आम को खाना है या ठंड में भी जरूरत है, तो ठंड में तो उगेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, गोडाउन में स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करेगा। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। मतलब क्या हुआ, वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर फोन और सेंड लेटर कम्युनिकेशन और बोरो मनी, गोडाउन में रखने के लिए या कुछ भी चीजें कहीं पर सेव करने के लिए अपने को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, बैंक की जरूरत पड़ सकती है, ट्रेड करना पड़ सकता है, प्रोडक्शन। तो ये जो भी सर्विस इंडस्ट्री बता रहा है, जैसे बैंक हो गया, वो कुछ ना कुछ सर्विस दे रहा है,
प्रोडक्शन ट्रेड वो भी आपकी कुछ सर्विस दे रहा है, कम्युनिकेशन ये भी आपके कुछ सर्विस दे रहा है, टेलीफोन जो हो गया, लेटर जो भेजा जा रहा है इधर से उधर भेजा जा रहा है वो भी आपकी कुछ ना कुछ सर्विस हो गया। तो हो गया ट्रांसपोर्ट, हो गया स्टोरेज, हो गया मतलब ट्रांसपोर्ट आप समझ गए होंगे कि ट्रक से रिलेटेड सामान इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है, स्टोरेज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सब आपका टर्शरी एक्टिविटीज का एग्जांपल है। और ये एक्टिविटीज, सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड, वो सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स नहीं दे रहे हैं, गुड्स मतलब जैसे कि सामान नहीं दे रहे हैं, वो प्रोसेस्ड सामान भी नहीं कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर ये बढ़ा रहे हैं। बिना सर्विस सेक्टर के क्या ये दोनों सेक्टर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। तो सर्विस सेक्टर भी इसलिए ज्यादातर आया है सामने, इसलिए सर्विस सेक्टर भी बोल दिया गया। टर्शरी सेक्टर भी सर्विस सेक्टर है, मतलब आपको समझ में आ गया, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोल दिया गया, सेकेंडरी सेक्टर को भी आपने बोल दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस दैट विल नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, अब टीचर्स है क्या कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं कुछ वो लेकिन क्या सर्विस दे रहा है, डॉक्टर सर्विस दे रहा है, जो भी आपको सर्विस आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि खेत में क्या उग रहा है या तो समुद्र में क्या मछली पालन हो रहा है या क्या है, जो रॉ मटेरियल है वो आपका प्राइमरी हो गया। आपके सर्विस सेक्टर डॉक्टर कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है और ना वो कुछ प्रोसेस कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है। तो इसलिए डॉक्टर का काम अभी बढ़ा है, पहले कम थे डॉक्टर, अब ज्यादा हो गए, तो ये सर्विस सेक्टर में आपका काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है डे टू डे। दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन, वॉशरमैन है कुछ धो रहा है, बार्बर है, नाई, कॉबलर, लॉयर एंड पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe है जहाँ पर आप इंटरनेट कर रहे हो, ATM booths हैं, call centers हैं, software companies हैं, ये सब आपका services ही दे रही हैं। इस चीज़ से आपको समझ में आना होगा। हाँ, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं economic activities। अब economic activities के बारे में हमने पढ़ लिया, तीन चीज़ पढ़े, ये हमेशा आता है इसके बारे में, यही है पूरा चैप्टर। तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह ये दिए हैं कि व्हाट डज दिस शो, कि क्या शो कर रहा है, कि अगर फार्मर है क्या कर रहा है, शुगर केन ला रहा है तो वो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में, टर्शरी में, तो आप डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हो मेरे ख्याल से। इसके बाद हम आ जाते हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अब तीनों सेक्टर में कुछ ना कुछ हम कंपेयर करेंगे। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, काफी ज्यादा नंबर होता है। गेहूं एक किलो नहीं होता है, पूरे देश में 135 करोड़ लोग हैं, तो वो सबके लिए गेहूं और कितनी बड़ी मात्रा में होता होगा, कितनी बड़ी मात्रा में सर्विसेज प्रोवाइड होती होंगी और कितनी बड़ी मात्रा में ये आपका किस तरीके से आपका सर्विसेज और ये प्रोसेस होता होगा। ऑल्सो द थ्री सेक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम, 135 करोड़ जनसंख्या, चलो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको हटा देते हैं, कुछ बुजुर्ग हैं उनको हटा देते हैं, लेकिन बाकी जो सब है, जो लोग कुछ लोग घर पर काम करते हैं उनको भी हटा देते हैं, लेकिन बाकी कोई भी लोग हैं वो इन्हीं तीनों सेक्टर में है, चाहे डिपेंड हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे कोई भी सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस अधिकतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अधिकतर सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा है, ठीक है, किसान है वो अपना एग्रीकल्चर जो भी कर रहा है या मत्स्य पालन जो भी कर रहा है वो आपका प्राइमरी में है। इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विस द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, कितने लोग सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में, ये सब चीज आएगा कि कितने परसेंटेज लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर उससे समझ में आएगा कि किस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो रही है, किस में कम हो रही है और कैसे ये पूरा का पूरा मैनेज हो रहा है। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट व्हाइल अदर सेक्टर आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। तो कुछ सेक्टर्स होंगे वो स्मॉल होगा, कुछ सेक्टर होगा बड़ा होगा, सबके सब अगर प्राइमरी सेक्टर में आ जाए सबके सब टर्शरी सेक्टर में चले जाएं तो ये क्या बैलेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सभी कुछ जरूरी है और ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी थोड़ा सा अपना होता है
और जिस तरीके से जरूरत बनता है उस तरीके से मार्केट अपने आप को चेंज भी कर लेता है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ई सेक्टर, कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हर सेक्टर में। सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स जो सामान एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, सोच रहे होगे इतना बड़ा काम है कैसे होता होगा, इम्पॉसिबल टास्क है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर। आप समझ रहे होगे कि कार कार एक जगह बिक रही है और एक जगह पिन बिक रही है, नेल्स बिक रहा है और फर्नीचर भी बिक रहा है, कंप्यूटर्स बिक रहा है, इनको आप कैसे कंपेयर करोगे यार। मतलब एग्रीकल्चर वाला चीज प्राइमरी में है, कुछ सेकेंडरी में है, ये किस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हो। तो कार कार एक बिकी या हजार बिकी या 50 लाख बिकी, कार जितनी बिकी उसकी कुछ वैल्यू हो, उस वैल्यू को जोड़ लो, कंप्यूटर की जितनी की भी वैल्यू होगी उसको जोड़ लो, इन सब चारों को सम कर दो तो उतना की चीज बिकी, टोटल चार चीज मिलाकर। जैसे आपने चार सामान लाए, आलू प्याज टमाटर मिर्च, ठीक है, किताब लिया, तो कितना खर्चा हुआ उससे आप रिलेट कर सकते हो। इट वुड नॉट मेक सेंस। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। आप नंबर को मत जोड़ो कि एक कार, एक कंप्यूटर, एक नेल और 5 फर्नीचर, तो ये इस तरीके से आप मत जोड़ो। To get around this problem, economists suggest that the value and good services should be rather than adding up the actual number. For example, 1000 kgs of wheat is sold at 8 rupees, 8 per kg. The value of wheat will be 80,000. तो 10,000 किया, 8 रुपए किलो के हिसाब से 80,000 का ये बिक गया, 5,000 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से ये 50,000 का बिक गया, तो इनको वो किस तरीके से ऐड करेगा। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड, तो तीनों सेक्टर में जो भी वैल्यू मिली हो उनको वो सम करते गया, सब कुछ सम करते गया कि इसमें इतना खर्च हुआ, इसको इतना खर्च हुआ, इसको वापस इतना देना पड़ा, पूरा कैलकुलेट करके जो कस्टमर को देना पड़ा वो 8 रुपए किलो था, तो वो 10,000 किलो था, तो 10,000 का 80,000 हो गया, 5,000 × 10 × 50,000 हो गया। रिमेम्बर there is one precaution one has to take, not every good, sabhi service nahi, sabhi saman nahi, that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. Take for instance a farmer who sells wheat to flour mill of rupees 8 पर केजी, 8 रुपीज पर केजी से वो बेच रहा है। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं कि टेक फॉर इंस्टेंस, कुछ समय के लिए सोचो, अ फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर रुपीज 8 पर केजी, 8 रुपए पर किलो के हिसाब से वो बेच रहा है, मतलब फार्मर ने बेचा 8 रुपए पर किलो के हिसाब से। द मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी, बिस्किट कंपनी को उसने 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया, 2 रुपए किलो के हिसाब से पिसाई लग गई उसकी, चलो 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। बिस्किट वाला ही तो जरूरी नहीं कि वो खेती भी करेगा, पिसवाएगा भी, तो उसने तो अपने यहाँ आटा मंगा लिया, आटे से बिस्किट बनती है। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर, ठीक है चलो उसके बाद शुगर थी या उसने वो भी मंगा लिया, एंड ऑयल, काफी चीजें लगती है। अब ऑयल है तो ऑयल की अब वो खेती करेगा ऐसा नहीं होता है, तो ऑयल भी मंगाएगा, शुगर भी मंगाएगा, तो उसके भी कुछ कॉस्ट आएगी। मेक 4 पैकेट ऑफ बिस्किट, तो उसने 4 पैकेट बिस्किट के बनाए। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर रुपीज 60, 60 रुपए का वो बिस्किट का पैकेट बेच रहा है, रुपीज 15 पर पैकेट, ठीक है 4 पैकेट बने या 60 रुपए का पैकेट बनाया। तो ये बस आप कैलकुलेशन पर समझ रहे हो कि कई जगह इसके रुपए लग रहे हैं, आटे वाले को दे रहा है, पिसाई वाले को दे रहा है, ट्रांसपोर्ट को देगा, शुगर को दे रहा है, ऑयल को दे रहा है। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड, तो फाइनल गुड क्या तैयार हुआ, बिस्किट्स हुआ, द गुड दैट रीचेस टू द कंज्यूमर, आपके पास तक, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक क्या पहुंचेगा, बिस्किट। कितने में पहुंचेगी, चलो 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से हो गया। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, फाइनल गुड क्यों,
आपको मतलब है क्या, बिस्किट का पैकेट आपको मिल गया, आपको मतलब है क्या कि वो कहाँ से आ रहा है, गेहूँ कौन पीस रहा है, कैसे पीस रहा है, क्या क्वालिटी है, क्वालिटी सब मेंटेन करने वाला बिस्किट वाली कंपनी वाला देख लिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रोसेस्ड किया है तो वो बिस्किट है। अब आप 1 किलो आलू लाओ 10 रुपए किलो के हिसाब से और 50 रुपए की उसको आलू की सब्जी बनाकर आपने प्रोसेस करके बेचा, या चिप्स बनाकर उसको 100 रुपए का पैकेट बेचा, तो वो डिफरेंट चीज होती है। तो प्रोसेस्ड वाला आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आ गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। तो हैंस द वैल्यू ऑफ 60 रुपीज फॉर द बिस्किट, फाइनल गुड की वैल्यू क्या होगी, इतना ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर, 10 रुपए का वो उसने आटा का जोड़ चुका है, गेहूं का जोड़ चुका है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड, सारे के सारे उसने जोड़ लिया होगा बिस्किट में कब देखते समय, लास्ट वैल्यू देते समय। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड वीट सेपरेटली इन इज देयरफॉर नॉट करेक्ट, बिकॉज देन we would be counting the value of the same things number of times, first as wheat then as flour. अब क्या क्या उसने 15 रुपए का पैकेट जोड़ा, अब 10 रुपए का आटा भी जोड़ोगे या कुछ और भी जोड़ोगे। टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड वीट सेपरेटली इज देयर फॉर नॉट करेक्ट, तो आप सभी को सेपरेटली आप नहीं काउंट करोगे कि आटे का कुछ अलग रेट है, शुगर का कुछ अलग रेट है, वो सब काउंट करते करते उससे तो बिस्किट से भी रेट का ज्यादा आ जाएगा। इसलिए आपने 15 रुपए कस्टमर ने 15 रुपए दुकान वाले को दिया, उसने अपना 1 रुपए 2 रुपए का प्रॉफिट निकाल कर 13 रुपए पीछे दिया जहां से भी उसने बिस्किट लाया था, उसके बाद उसने 13 रुपए को 11 रुपए मतलब कि जहां पर भी पहुंचे होगा फिर 11 रुपए में 1-1 रुपए सब जगह बांट दिया होगा जिस हिसाब से भी जो उसका रेट होगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो भी फाइनल गुड्स तैयार हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे एरोप्लेन हुआ, चाहे सुई हुआ, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, सारे सर्विसेज हर एक सेक्टर के मिलाकर कितना रुपए हो रहा है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईयर ऑफ दैट ईयर एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ द कंट्री। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक कंट्री का ग्रॉस GDP क्या कहलाएगी, इसका मतलब ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, GDP हो गया। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। इन इंडिया द मैमोथ टास्क टू मेजर GDP इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये कौन देखता है GDP, क्या चीजें देखता है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है इंडिया में। This ministry with the help of various government departments of all the Indian states and union territories collects information relating to total volume of goods, services and their prices and then estimates the GDP. तो उसके बाद estimate लगाया जाता है GDP का, gross domestic product का, कि किस तरीके से कितना purchase हुआ, कितने customer ने कितना चीजें खरीदा, तो वो GDP। अगर नेक्स्ट टाइम में और GDP ज़्यादा होता है, मतलब कस्टमर ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा जेब से रुपए खर्च करते हैं, ज़्यादा इकोनॉमी में देते हैं, तो इसका मतलब GDP बढ़ रही है, GDP बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, तो किस तरीके से हिस्टोरिकल चेंज हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे कैसे। 100 सालों का ही पढ़ेंगे और भी पहले कभी समझ में आ जाएगा। Generally, it has been noted from the histories of many now developed country that at initial stages of development, primary sector was the most important sector. शुरुआत में क्या होता था, किसी भी देश में developed हो या आज हमारी country में या कल हमारी country में क्या था,
और सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर ही होता है, खेती से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो खेती थी मतलब प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि आपका चाहे वो पशुपालन को ले लो, चाहे आप मत्स्य पालन को ले लो। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर, पहले से ज़्यादा कमाने लगे। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम्स, बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स भी होने लगे। डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एटसेट्रा, हाउ एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा नेचुरल बात है कि अगर जो नेचुरल प्रोडक्ट से बन रहा है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में होगा। ओवर अ लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। फैक्ट्रीज आई, कुछ लगाना चालू किए कि उसको हम प्रोसेस करेंगे। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्क्ड ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज, जो फार्म्स में काम करते थे वो अब फैक्ट्री की तरफ मुड़ने लगे। फैक्ट्री में जाएंगे अब हम काम करेंगे इन लार्ज नंबर, और ज़्यादा नंबर में। पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of sector had changed. पहले प्राइमरी था, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आया, तो सेकेंडरी में कुछ लोग गए। पहले तो 100% प्राइमरी में लोग होते होंगे। तो प्रोसेस होने चालू किया, हजारों 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 साल, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। चलो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में था, कुछ लोग होंगे सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में लोग शिफ्ट करना चालू किए, फिर उसके बाद टर्शरी सेक्टर में, तो इन्हीं में से तो आएंगे। इन दिस द पास्ट 100 ईयर देयर हैज़ बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी इन डेवलप्ड कंट्री। तो अब कहाँ पर जाने लगे, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में। दिस सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्री। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इन इंडिया? टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, या थ्री सेक्टर्स में तीनों का मिलाकर कितना होगा ओवर द ईयर? Have there been changes similar to the pattern observed for developed countries? तो अब देखेंगे कितना कितना हर सेक्टर में हो रहा है। हम तीनों सेक्टर का ये चीज़ आता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर। दिस शोज फॉर 2 ईयर्स, 1973 एंड 2003। दो साल का भी ये बना कर दे रहा, 1973 का और 2003 का। कितने सालों के बीच में कैलकुलेट कर रहे, 83, 93, 2003, 30 साल। यू कैन सी हाउ टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द 30 ईयर। 30 साल में कितना हुआ, 1973 में अगर बोलेंगे तो आप ये देख लेंगे रुपीज इन करोड़ के आपका प्राइमरी सेक्टर में कितना हो रहा है, 10,000 से भी ऊपर हुआ। सेकेंडरी में कुछ कम था और टर्शरी में आपका लगभग आप बोल सकते हो 10,000 करोड़ रुपये, इतने का अपना जीडीपी थी। अब क्या है, समय बदला, 30 साल हुए, 2003 आया। नो डाउट प्राइमरी सेक्टर में ड्रास्टिक चेंज है, बट एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि कम से बहुत ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा से ठीक हुआ, ये सेकेंडरी सेक्टर कम से ज़्यादा हुआ, और टर्शरी सेक्टर कम से बहुत ज़्यादा हुआ।
व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है? व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन 1973 एंड 2003 शो? व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन? लेट्स फाइंड आउट. Rising importance of the tertiary sector in production over the 30 years between 1973 and 2003, while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. सबसे ज़्यादा जो बढ़ा value बढ़ी वो tertiary sector में बढ़ी. As a result, in the year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Primary sector को हटाकर tertiary sector ने अपना कदम रखा और successful भी हुई, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें increment growth देखने को मिला. First, in any country, several services such as hospitals, education institute, post and telegraph service, police station, court, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc. are required. सभी कंपनीज में ये सब जरूरत पड़ती है, टेलीग्राफ हो, पुलिस हो, स्टेशन, कोर्ट, विले, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट. आप समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें जरूरत पड़ती है. ये कब जरूरत पड़ेगी? पहले तो प्राइमरी ग्रोथ होगा, ये तो सर्विसेज है, ये तो बाद में है, लेकिन आज की डेट में ये ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं. प्राइमरी से हम इधर तक जा चुके हैं. दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस, ये आज की डेट में हमारे लिए बेसिक है. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. सेकंड, द गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be demand for such service. Jitna jitna zyada primary sector badhega, jitna zyada secondary sector badhega, dono ki growth jitna zyada hogi, tertiary sector ka utna hi development hoga. Tertiary irreversible bhi hai. Third, as income level rise, jaise jaise aapki income badhegi, certain section of people start demanding many more services like eating out. अगर बाहर हम खाना खाने जा रहे हैं, आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ी, ठीक है, पहले आप 10,000 रुपये महीने कमाते थे, अब 1,00,000 रुपये महीना कमाते हैं, चेंज आया, तो अब 90,000 आप सेव करेंगे. पूरे सेव नहीं करेंगे तो वो कहाँ खर्च करेंगे? या तो आप ईटिंग आउट कर सकते हैं, ठीक है, बाहर खाने जा सकते हैं, टूरिज्म, बाहर घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, दुकान में खरीदने जाएंगे, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें आप यूज़ करेंगे. अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, कई बार हो सकता है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भी अच्छे चीज़ें आप करें, तो यहाँ पर खर्च करेंगे आप चीज़ों पर. जैसे जैसे तो ये सर्विस सेक्टर है, यहाँ पर सर्विस में आपका जॉब भी इस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी. You can see this change quite sharply in cities, especially a big cities. Big cities mein yehi sab cheezein badh rahi hain. Fourth, over the past decade or so, certain new services such as based on information and communication technology have been important and essential. Kaun si service sector mein sabse zyada abhi hona chalu hua hai? IT sector mein. IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप जान रहे हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उस में सर्विस में सबसे ज़्यादा भी ग्रोथ हो रही है. द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली. फोर्थ चैप्टर में भी आप क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. वी शैल सी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज न्यू सर्विसेज एंड ऑल रीजंस फॉर देयर एक्सपेंशन. However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kinds of people. At one end, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other hand, there are a very large number of workers engaged in service sector, such as small shopkeepers, repair person, transport persons, etc. These people really manage to earn a living, and yet they perform
दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्क एंड अवेलेबल टू देम एंड ओनली अ पार्ट ऑफ द सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. कुछ समझ में आया होगा इसके बारे में. कुछ ये है कि सर्विस सेक्टर बढ़ तो बहुत ज़्यादा रही है, सर्विस वो भी दे रहा है जो छोटा शॉपकीपर है, सर्विस वो भी दे रहा है जो मोची है, सर्विस वो भी दे रहा है जो कुछ रिपेयर कर रहा है, नल रिपेयर कर रहा है. सर्विस सेक्टर में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिच ही हों, अर्न अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं है. इस तरीके से नहीं ये किया गया है. वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा फिर भी कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है. ग्राफ टू में, अब जो ग्राफ टू हम ये देख रहे हैं, ग्राफ टू में भी आप देखिए कि प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी. परसेंटेज में अब ये चीज आएगी, 1973 में कितना परसेंट था, लगभग आपका 70 के ऊपर जा रहा है. और 2000 में परसेंटेज मतलब 100 में से 70 लोग 72 लोग अभी जो आपको ग्राफ से देखने को मिल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है. लगभग 10% आपका सेकेंडरी सेक्टर में और 15% आपका टर्शियरी सेक्टर में है 1973. लेकिन 2000 आते आते सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ हुई, परसेंटेज में ग्रोथ हुई. ठीक है, एग्रीकल्चर तो पहले से कम हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ किसमें हुई है, कम है आज की डेट में, लेकिन ग्रोथ सबसे अच्छी ज्यादा हुई है. शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर ओवर द थर्ड ईयर. अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट व्हाइल देयर हैज बीन अ चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर इन जीडीपी, अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन एम्प्लॉयमेंट. Graph 3 shows the share of the employment in the three sectors in 1973 and 2000. The primary sector continues to be the largest employer even in the year 2000. Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary sector and tertiary sector. Even though industrial output or the production of goods went up by 8 times during the period. सभी कुछ बढ़ रहा है. प्रोडक्शन अगर आप देखें, काउंटिंग देखें, तो सभी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज में आपका कम हो रहा है. एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय इंडस्ट्रीज 2.5%, बट द सेम अप्लाइज टू द टर्शियरी सेक्टर एज वेल. व्हाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 11 टाइम्स बड़ा. नंबर ऑफ वैल्यूज में अगर आप देखेंगे, कैसे देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, दो तीन तरीके से आप, मैं आपको बताता हूँ. ये आपका सर्विस सेक्टर में कितना था, लगभग आपका 5000 समझ लीजिए, ठीक है ना. ये और 50,000 से 1,00,000 करोड़ पहुंचा, मतलब 5,000 से 50,000 बढ़ रहा है. 10 सो आपको ये ग्राफ से ही लगभग दिख रहा है. टोटल अगर आप ये चीज़ इसकी बात सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा 11 times ये बढ़ा है. कैलकुलेशन वही है, 11 times. एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 times. सर्विस सेक्टर एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. आधे से ज्यादा लोग आज की डेट में भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मेनली ए बॉर्डर ऑफ द जीडीपी. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूसेस, सेकेंडरी और टर्शियरी को मिला के 3/4 ऑफ द प्रोड्यूसेस, वेयर इज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल. मतलब अगर जीडीपी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा भागीदारी बोले टर्शियरी सेक्टर की है, सेकेंडरी सेक्टर की है, इन दोनों को मिला के 3/4 या 1/4 आपके प्राइमरी की है. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, डज दिस मींस दैट वर्कर इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड. मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं खेती में, किसान लोग काम कर रहे हैं, क्या वो अपनी क्षमता से कम उगा रहे हैं,
What it means is that there are more people in agriculture than in it's necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sector are underemployment. Underemployed मतलब समझना है यहाँ पर अच्छे से. Underemployed मतलब कि जैसे कि एक खेत है, एक खेत में 10 लोग काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं और 10 लाख रुपए कमाते हैं. अब 9 लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 10 के 10 काम कर रहे हैं और 10 के 10 मेहनत कर रहे हैं. लेकिन अगर उसमें से बोलूं कि एक को हटा दो, वही खेत है, वही जमीन है, वही पानी है, वही सब कुछ है, अब जाकर आप खेती करो, तो क्या वो 10 लाख कमाएंगे? हाँ कमाएंगे. मतलब कि वो एक लड़का काम नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है, वो काम कर रहा था. मतलब एफिशिएंसी कहीं ना कहीं वो कम लग रही है 10 लोगों में. हो सकता है 5 लोगों से भी वो 10 लाख उसका कमा ले, वो 5 लोग कहीं और काम करें. फॉर इंस्टेंस टेक केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओइंग अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ द, तो ये एक एग्जांपल ले रहा है. अब लक्ष्मी का जो एग्जांपल बता रहा है, ओइंग अबाउट 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर की जमीन है ऑफ अन इरिगेटेड लैंड, ठीक है, डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, मतलब उसमें पानी मिलता नहीं, अन इरिगेटेड है. अब डिपेंड किस पर रहती है? रेन पर. एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार और ये सब उगाती है. उसमें कितने लोग काम करते हैं? ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली उसमें काम करते हैं, सभी 5 के 5 काम करते हैं. दे हैव नाउ वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेंस आइडियल, कोई भी खाली नहीं बैठे हैं, 5 के 5 काम करते हैं. बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते होंगे. आज वो चला गया, आज दूसरा चला गया, आज तीसरा चला गया, आज 2 का काम है, आज 3 का काम है. ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, कोई भी पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है. कैसे नहीं है? दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर प्रोडक्शन. हाँ, सबको लग रहा है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनमें से एक को हटा दें, 4 करेंगे तो मतलब तो भी उतने ही काम होगा. मतलब सभी अपने पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि काम है ही नहीं और इससे ज्यादा, या तो इसलिए मैं आप सोच सकते हैं. दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वही काम 4 लोगों से हो रहा है तो 1 अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, 3 लोगों से हो रहा है तो 2 अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये मेन चीज है. तो आपने समझ लिया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. अब आप सपोज करो, नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम के पास आपकी जमीन है, कम्स एंड हायर्स 1 or 2 members ऑफ द फैमिली, एक तो उन्हीं में से, मतलब कि वही एक लैंडलॉर्ड है, उन्हीं के घर से 2 लोगों को उठाया, 3 लोगों को उठाया, जो भी है 1 लोग को उठाया और बोला कि काम करो अब इसी लैंड पर. लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस. वो अगर या दूसरे लक्ष्मी की जो फैमिली है, 5 के 5 नहीं, 1-2 ने या इधर उधर काम करना चालू कर दिया है, वेज कमाना चालू कर दिया. सिंस डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, स्मॉल प्लॉट में 5 लोगों की जरूरत नहीं है. 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म, तो प्रोडक्शन पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है. इन द अबव एग्जांपल 2 पीपल मे मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री, वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड तो इंक्रीज हुआ. बाकी के 2 लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज हुआ. देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी ने भी, बहुत से फार्मर्स हैं जहाँ पर लोगों को लग रहा है काम कर रहे हैं लेकिन अपने फुल पोटेंशियल से नहीं कर रहे हैं, तो लगता है कि काम नहीं हो रहा. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर, प्रोडक्शन सफर नहीं करेगा अगर कुछ लोगों को निकाल लिया जाए तो भी, या
इसको आप इस वे में बोल सकते हो कि कुछ लोगों को दूसरी जगह जॉब दे दिया जाए तो ज्यादा इनकम हो जाएगी, फैमिली इनकम ज्यादा हो जाएगी। द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरिया हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर, ये सब करते रहते हैं, एंड अदर डूइंग ऑड जॉब्स। मैनी ऑफ देम डोंट, जिस दिन काम मिला वो एम्प्लॉयड है, जिस दिन काम नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड है, उस दिन उनकी इनकम नहीं हुई। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। बहुत कम कमाते हैं, मतलब वो फुल पोटेंशियल से काम ना हो पा रहा हो, या उनके पास, सामने वाले के पास काम नहीं है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। वो तो नहीं काम करते हैं क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो उसी में लगे हुए हैं। ये लेट्स वर्क दिस। इसके बाद है कि शेयर ऑफ जीडीपी 1973 में कितनी थी, 2000 में कितनी थी, या 2003 में कितनी थी, या कैसे करके है, वो चीज़ आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। इसके बाद बोलते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आप किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे। एम्प्लॉयमेंट था तो वो काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कम लोग हो तो भी उतना ही आउटपुट। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। In what ways can one increase employment for people? Let us look at some of them. Take the case of Lakshmi with her 2 hectare plot of unirrigated land. Lakshmi ke baare mein jo baat kar rahe the ki 2 hectare hai, plot hai, sinchai nahi hoti usko, unirrigated land. The government can spend some money or bank can provide a loan. Loan le leti hai kahin se, loan le legi to kya karegi ki chalo पानी वानी डलवा लेंगे। टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप। उसने ठीक है कि आपने गेहूं उगाए थे, अब ड्यूरिंग द रबी सीजन लेट अस सपोज दैट 1 hectare ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 people फॉर 50 days। ठीक है, 2 लोगों को उसने काम दे दिया 50 दिन के लिए, और उसने उसमें गेहूं उगाई, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटर, फर्टिलाइजर, ये सब उसने लगाई, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग। सो 2 मोर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। मतलब समझ लो कि वो 2 लोगों से ही काम करवा रही है, 2 लोग काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं या बाहर के काम कर रहे हैं, चलिए उस चीज पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल। अब समझो कि उसके घर के आसपास कुछ डैम बनना चालू हुआ, या रोड बनना चालू हुआ, कैनल बनने चालू हुए, अ डक टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स। तो अब उसके घर के फैमिली के 3 मेंबर खाली हैं, वो वहाँ जॉब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्न होगा। दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट को, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को अगर हटा दिया जाए, अगर सुधार लिया जाए, तो फैमिली इनकम बढ़ाई जा सकती है, अगर तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अच्छे से कर लिया जाए। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, और दिस दे मे रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट। तो किसी को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है दूसरा बंदा उसके घर का जो है वो ट्रांसपोर्ट में लग गया, देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाय टाउन, नियर बाय टाउन तक पहुंचाने की, तो उसकी भी इनकम वो चालू हो गई। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ वन, और मेक्स बेटर रूरल रोड सो दैट मिनी ट्रक रीच एवरीवेयर, सेवरल फार्मर लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर and continue to grow and sell these, तो तीसरा आदमी सिंचाई में लग गया, चलो ठीक है। This activity can provide productive employment to not
just farmers but also others such as those in service like transport or trade. Lakshmi's need is not confined to water alone. केवल पानी का चीज नहीं था उसको जरूरत. टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड सीड्स. उसको सीड्स भी चाहिए, खाद भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी चाहिए एंड द पंप सेट भी चाहिए टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए. कब तक हम बरसात के भरोसे रहेंगे. बीइंग अ पुअर फार्मर, गरीब है, शी कैन नॉट अफोर्ड मैनी ऑफ दीज, तो ये सब चीज़ ले नहीं सकती. सो विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर. तो उसने कहीं से उधार ले लिया, लोन ले लिया, जो भी वहाँ का साहूकार होगा या जो भी. एंड अब पे आ हाई, क्या दे रही होगी, इंटरेस्ट दे रही होगी, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब 1,00,000 रुपये लिया, 5% पर मंथ से किया या 4%, 3% पर मंथ से किया, तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. हर महीने के 3,000 रुपये का 3% के हिसाब से हो रहे तो हर महीने के 3,000 बढ़ रहे हैं. इफ द बैंक, लोकल बैंक गिव्स अ क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट, अगर लोकल बैंक उसका रीजनेबल रेट अगर दे किसानों को दे, या जो देती है कम इंटरेस्ट पर, शी विल बी एबल टू बाय ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टीवेट हर लैंड. ठीक है, तो वो साहूकार से नहीं लेगी, किसी और से नहीं लेगी, बैंक से लेती है और वो अपने जो खेत में काम करती है. दिस मीन्स दैट along with water we also need to provide cheap agricultural credit to the farmer for farming to improve. we will look at some of these needs in chapter 3 money and credit. so money and credit ke bare mein bhi hum padhenge ki kaise wo money ki kaise the higher rate of interest kya hota hai, rate of interest kya hota hai. another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industry and service in semi rural areas where a large number of people may employed. तो ऐसे जगह में सरकार होती है वो भी खोलती है, या तो कोई आदमी भी खोल सकता है, कोई ऐसे भी है, किसी भी रूरल जगह में कुछ ऐसे काम देखा जाए जिससे वहाँ के लोगों को काम भी मिले. फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर डिसाइड्स टू ग्रो अरहर एंड पल्सेस क्रॉप्स सेटिंग अप अ दाल मिल. अब अरहर वहाँ होता है, दाल मिल और खोल लीजिए, आलू होता है, चिप्स की फैक्ट्री खोल लीजिए, तो वहीं से वहीं उसको फायदा, ट्रांसपोर्ट भी कम लगेगा, वहीं से वहीं उसको फायदा मिल गया. 10 रुपये 2 रुपये किलो आलू मिलता होगा तो पैकेट का 50 रुपये आपका बन गया, मतलब प्रोसेस भी वहीं होने लगा. फिर उसके बाद चले जाए जहाँ पर जो चीज़ बनती है वहीं पर अगर प्रोसेस हो जाए तो उसको 2 रुपये किलो आलू की जगह 50 रुपये किलो मिल रहा है, उसको प्रोसेस करना पड़ा. दीज एंड सेल इन द सिटीज इज वन सच एग्जांपल. ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोर बना दिया, मतलब क्या हुआ, आलू सड़ जाता है, बहुत सारा सड़ेगा, प्याज सड़ेगा, कुछ और सड़ेगा, ठीक है, कोल्ड स्टोर खोल दिया. कोल्ड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू स्टोर देयर प्रोडक्ट लाइक पोटैटोस एंड ऑनियन, जो भी रखना है वो पोटैटोस आलू प्याज रख सकते हैं, सेल देम व्हेन द प्राइस इज गुड, उसको तो जब अच्छा प्राइस मिलेगा बेचेगा. In village near forest areas, we can start honey collection. अब शहद वगैरह collect कर सकते हैं. Where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agriculture produce like potato, sweet potato, rice, wheat. Tomato fruits which can sold in outside market. This will provide employment in industry located in the semi-rural areas and not necessarily in urban centers. What group of people do you think are unemployed or underemployment in your area? Can you think? ये आपको सोचना है कि कौन underemployment है, कोई unemployment है. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा, अगर उनमें से एक कोटा दिया जाए तो भी काम चलेगा, या तो वो बंदा कहीं और दूसरी जगह काम करे. डू यू नो दैट इन इंडिया देर आर अबाउट 200 मिलियन चिल्ड्रंस इन द स्कूल गोइंग एज ग्रुप. आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 2/3 आर अटेंडिंग. इसमें से 2/3 ही जाते हैं. 200 मिलियन हम जाने लायक हैं. The rest are not. They may be at home,
और मैनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर, कोई चाइल्ड लेबर की तरह काम करता है, तो घर पर रहते हैं या छुड़ा दिया जाता है पढ़ाई, दो लोग हैं ठीक है, बाइफर्केशन अगर करते हैं, ये होता है कई जगह होते हैं कंट्री में, जबकि ये लीगल है कि घर पर मतलब कहीं और काम करना है चाइल्ड लेबर वगैरह अगर होता है तो। इफ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर। आज की डेट में भी 20 लाख जॉब क्रिएट कर की जा सकती है, रिक्वायरमेंट है 20 लाख लोगों की। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर नर्सेज वर्कर एक्सेप्टेड टू वर्क इन रूरल एरिया। These are some ways by which jobs would be created and if we would also be able to address the important aspects of the development talked about in chapter 1. Every state or region has potential for increasing the income and employment for the people in that area. उस area में जिसको भी जरूरत होती है employment की, वो राज्य या वो region के पास capability होती है, potential होता है कि वो वहाँ से इनकम जनरेट करा सके। इट कुड बी टूरिज्म, वो चाहे तो टूरिज्म हो सकता है, और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ द टूरिज्म सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है अगर टूरिज्म में अगर हम बढ़ते रहे तो। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट और शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर। रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड अ लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क के बारे में आ रहा है कि सभी को काम मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज हुआ। इट इज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, नरेगा। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो नरेगा में क्या बोला जाता है कि ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जिसको भी काम की जरूरत है उसे गारंटेड 100 दिन का काम मिलना चाहिए इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। जिस गांव में रोड बन रही है, बाई चांस रोड बन रही है, तो हम बाहर से अपना लेबर मिला के उसी के गांव के लोगों को, हर एक आदमी को 100 दिन का काम अगर देते हैं तो वहां पर उनको काम मिलेगा। ऐसे आप बोलेंगे 365 डेज होते हैं, 265 डेज का क्या होगा, वो तो काम नहीं कर पाएंगे। तो बाकी जैसे सीजनल काम होता है उसमें लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, सीजनल काम उस जैसे गेहूँ की खेती हर टाइम नहीं होती, तो 100 दिन दूसरे जब भी उसको करना है तो वो 100 दिन उसमें काम कर सकता है, वो अपना रुपये कमा सकता है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, टाइप्स ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड।